जैसे कि आप सभी को पता है आईपी यूनिवर्सिटी के राउंड 3 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अब सभी कोर्सेज के लिए हो गया है। कल जब हमने लाइव सेशन किया था तो हमने उसमें डिस्कस करा था कि बीबीए बीसीए एंड बीएड कोर्स का रिजल्ट आउट हो गया था एंड लेट नाइट बीएलएलबी बीबीएलएलबी एंड बीटेक कोर्सेज के अंदर भी जो है आप लोगों का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अब आप लोगों को जिसको भी कॉलेज मिला है भाई उसको रिपोर्टिंग करनी है और जिसको नहीं मिला है अब उसके लिए क्या ऑल्टरनेट है इस बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको कॉलेजेस में अलॉटमेंट नहीं मिली है एंड परेशान है इस बात को लेके। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि रैंक के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती है, ऑनलाइन प्रोसेस है, ये किसी के हाथ में नहीं होता कि भाई किसको कितना रैंक तक एडमिशन मिलेगा। जब तक स्टूडेंट लोड कर रहा है अपनी सीट को होल्ड करके बैठा हुआ है या फिर 96,000 रुपीस पे कर रहा है तो वो सीट बेसिकली उस स्टूडेंट की जो कि आपसे एक अच्छा रैंक लेके आया हुआ है। अब आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन में आपके पास स्पॉट राउंड का ऑप्शन है। स्पॉट राउंड बेसिकली होता है रिपोर्टिंग के बाद, जिसका नोटिफिकेशन भी बाद में ही आएगा, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हमारी रिपोर्टिंग हो जाएगी फाइनल 30 जुलाई तक, उसके बाद आप लोगों को इसका देखने को मिलेगा कि भाई स्पॉट राउंड कब करवाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा एंड उसमें जो इतनी भी सीट्स अवेलेबल होंगी वो आपको बता दी जाएंगी और उस हिसाब से आप अपनी जो स्ट्रेटेजी आगे बना सकते हैं। दूसरा, आप हायर एजुकेशन का एडमिशन सपोर्ट फॉर्म जो है फिल करके, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आज की डेट में जिस पे भी कॉलेजेस में सीट अवेलेबल है कहां पे आप लोगों को जो है एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और जो हमारे पास जो कॉलेजेस हैं जो कि काफी टाइम से हमारे साथ जो है कनेक्टेड हैं और उनके पास जो मेरिटोरियस सीट्स अवेलेबल हैं जिस भी लोकेशन में है उसके लिए आप अभी क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कल लाइव स्ट्रीम में भी बोला था कि राउंड 3 के बाद जिसको भी कॉलेज नहीं मिला है उसको हम जो है सीट्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो आईपी यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस के अंदर अभी सीट वैकेंट पड़ी है वहां पे आपको हम जो है रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप एनरोल करवा सकते हैं अपना और कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ भी नहीं है, हमारी टीम प्रॉपर 100% स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही है। तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपका आज भी एडमिशन हो सकता है, कोई जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि आपको भाई कॉलेज मिला है तो कौन सा मिला है और नहीं मिला है तो एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म सबसे पहले जाकर आप फिल कर लीजिए। उसके बाद बात कर लेते हैं जिस स्टूडेंट को कॉलेज मिल गया है वो चाहे तो स्लाइडिंग राउंड में जा सकता है, उससे कोई भी नुकसान नहीं है। स्लाइडिंग राउंड से आपको कोई भी नुकसान नहीं होता, स्लाइडिंग राउंड से आपको फायदा ही है। अगर आपको कोई कॉलेज और भी अच्छा मिल रहा है तो आप उसके लिए जो है अपग्रेड हो जाएंगे, अगर अपग्रेड नहीं होता तो वो सीट आपके पास एज इट इज रिटेन होने वाली है, तो उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 96,000 रुपीज जरूर पे कर देना भाई, आज लास्ट डेट है, अभी तक कुछ नोटिस नहीं आया डेट एक्सटेंशन का, आएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। टिल देन आप लोग हमारे साथ बने रहिए और जिसको भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ जल्दी से जाके एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म फिल कर दो भाई, हम सभी स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं और जितना भी मैक्सिमम हो सकता है स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में एडमिशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। स्पॉट राउंड के अंदर आप लोगों को पता है कि भाई सीट अवेलेबल है तो भी मिलेगी। ऑनलाइन काउंसलिंग के अलावा जो कॉलेजेस है जो आज के डेट में इनिशिएटिव ले रहे हैं उनमें आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल सकता है, तो भाई जल्दी से एडमिशन सपोर्ट के फॉर्म को फिल कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।